लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। गुनौर के गांव मुकेहा में स्कूल भवन निर्माण किया जा रहा है, लेकिन सरपंच सचिव की मिलीभगत के चलते स्कूल भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 2 साल से सरपंच सचिव के द्वारा माध्यमिक शाला भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन अभी तक भवन का पूरा काम नहीं हुआ है। शिक्षा जैसे मंदिर को भी भ्रष्टाचारियों ने नहीं बख्शा। स्कूल भवन का निर्माण तो हो गया, लेकिन पूरी बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई, जिससे थोड़े समय के लिए हुई बारिश में भी बिल्डिंग की छत से पानी टपकता रहता है। वहीं दूसरी ओर ठेकेदार द्वारा मैदान की बाउंड्री तो बना दी गई, लेकिन गेट नहीं लगाने से लोगों ने विद्यालय के बीच से ही गांव में आने जाने का रास्ता बना लिया है। यहां तक कि बाउंड्री वॉल के अंदर लोगों ने अपने वाहनों के साथ साथ गाय बांधने का काम शुरू कर दिया। वहीं बताया गया है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा कई बार शासन प्रशासन ने मामले से अवगत किया गया, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये माध्यमिक शाला मुखिया है, ग्राम पंचायत मुखिया है। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये इसकी ये जो घटिया किस्म की बिल्डिंग बनी हुई है, चू रही है, इसका क्या अधूरा काम पड़ा हुआ है? ये 2007 में पैसा इशू हुआ था और इसकी एजेंसी ग्राम पंचायत है, जो कि आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बैठने की परेशानी है। ये कौन सी कक्षा तक स्कूल है? स्कूल ये 1 से 8 तक है। ये भवन जो बनाया गया है किस क्लासेस के लिए बनाया गया? ये 6 से 8 तक के लिए भवन बनाया गया था, जो आज तक नहीं बन पाया, और उसी जो प्राथमिक शाला की बिल्डिंग थी उसी में काम चला रहे हैं हम लोग। सर, ये देखा गया कि बाउंड्री जो बनी हुई है उसमें 2 गेट है, तो आम रास्ता बना हुआ है? जी जी बिल्कुल, इसमें स्कूल के अंदर से रास्ता बना दी गई है, और रास्ता जबकि आम रास्ता स्कूल के पीछे से है, वहाँ से रास्ता बंद है, और स्कूल के मेन दरवाजे से रास्ता बना दी गई है, क्योंकि दरवाजे गेट नहीं लगाया गया है, बाउंड्री बनाई गई है और बाउंड्री में दरवाजे नहीं लगाए गए, इसलिए किसानों के ट्रैक्टर और थ्रेसर भी इसमें ग्राउंड में रखे हुए हैं। हाँ, क्योंकि गेट नहीं है बाउंड्री में, तो वो लोग सार्वजनिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें। सर, भवन के लिए जो अधूरा पड़ा है, इसमें आपने कोई जिला प्रशासन को या शिक्षा विभाग को अवगत कराया है? जी, इसमें सभी जो हमारे इंजीनियर साहब थे नायक जी, उन्होंने आकर के बोला था कि ये फेल कर दी गई है बिल्डिंग, आप इसमें बच्चे नहीं बैठाएं, इसमें जांच चल रही है।